गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। लास्ट टाइम जो हिंदी का सब्जेक्ट था तो हमने सीखा था अण से अणफेन, उसके बाद आज हम देखेंगे त से तरबूज। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में त लिख दिया है, बाकी की जो लाइन है उसमें आपको खुद लिखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है ऐसे एक ओ, फिर एक स्लिपिंग लाइन, फिर बाजू में स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा आपका त से तरबूज, त से तरबूज, त से तरबूज, त से तरबूज, त से तरबूज। ओके, तो इस तरह से आपको ये फुल पेज में लिखना है और उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 19। पेज नंबर 19 पे हमें दिया है त से तरबूज और त से तबला। तो सबसे पहले ऊपर की टू लाइन से उसमें आपको करना है ट्रेसिंग, फिर नीचे की थ्री लाइन से उसमें आपको खुद लिखना है और लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है वो देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेसिंग। तो यहाँ से ऐसे क, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा आपका त से तरबूज, 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 त से तरबूज। ओके, इस तरह से नीचे की लाइन है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे खुद, तो यहाँ से ऐसे क, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर बाजू में स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो त से तरबूज, 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 त से तरबूज। ओके, इस तरह से नीचे की टू लाइन वो भी आपको खुद लिखनी है। फिर लास्ट यहाँ पे दिया है शब्द पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ पे लिखा है खत, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया हमारा ख और ये त, खत, फिर से यहाँ पे ख एंड त, खत, खत। ओके, इस तरह से नीचे भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है छत, तो यहाँ पे लिखेंगे हम छत, यहाँ पे छत, छत। ओके, इस तरह से नीचे भी आपको लिखना है और फिर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन सब के फोटोज खींच के मुझे सेंड करना है। ओके, बाय बाय।